तो शाम 7 बजे के साथ बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को गैंगरेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूर्व मंत्री प्रजापति के साथ आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा ये सजा सुनाई गई है। इन पर कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी 18 मार्च 2017 को हुई थी। प्रजापति को चित्रकूट की महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप के मामले में ये सजा सुनाई गई है। चित्रकूट की महिला और बेटी से गैंगरेप का ये पूरा मामला गायत्री प्रजापति को 18 मार्च 2017 में गिरफ्तार किया गया था। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं गायत्री प्रजापति और प्रजापति समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा इस गैंगरेप मामले में सुनाई गई है। उम्र कैद के साथ साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना भी एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। तो ये बड़ी बातें गायत्री प्रजापति केस जो है। और आगे बढ़ते हैं, पहली सियासी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ऐसा लगता है हिंदुत्व को गरमाने के लिए एक नई वजह मिल गई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर इतना बवाल मच गया है कि अब मामला सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का हो चला है। मध्य प्रदेश सरकार किताब पर पाबंदी लगाने का कानूनी रास्ता तलाश रही है, तो इस मामले में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। वो कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग चीजें हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। अंदाज अलग अलग लेकिन मुद्दा एक। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व के नए राजनीतिक वर्जन की जो टिप्पणी की गई है उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार तो इस किताब पर बैन लगाने का रास्ता तलाश रही है। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ है, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करें। कानून की राय जब मिलेगी तब मिलेगी। फिलहाल किताब में कही गई बातों के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी विधायक राम कदम की अगुवाई में आज बीजेपी ने मुंबई में खुर्शीद की किताब के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद के पोस्टर भी जलाए। खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी नेता राम कदम तो मुंबई के घाट कोपर में FIR दर्ज कराने पहुंच गए। हमारी मांग है कि उन पर मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हो और उनके किताब पर महाराष्ट्र में पाबंदी लगे। पूरे देश भर में हमें किताब बिकने नहीं देंगे। असल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या के 6ठे चैप्टर में हिंदुत्व के नए राजनीतिक वर्जन की तुलना जिहादी गुट ISIS और बोको हराम से की है। किताब में लिखा है कि भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठनों ISIS और बोको हराम जैसा है। खुर्शीद की इसी बात पर तलवारें खिंची हैं। हालांकि सलमान खुर्शीद को परोक्ष रूप से आज राहुल गांधी का समर्थन मिला। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है, और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है। अब कांग्रेस नेता चाहे लाख समझाने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी से हिंदुओं के अपमान से जोड़कर तूल दे चुकी है, वो भी ऐसे समय में जब यूपी चुनाव सिर पर हैं।
तो भारत की बात में आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री सम्मान पाने के बाद 2014 को देश की आजादी का साल बताने वाली कंगना रनौत के बहाने एक और सियासी लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि कंगना रनौत के पीछे सीधे सीधे बीजेपी है। ऐसे विरोध प्रदर्शन आमतौर पर नेताओं के खिलाफ होते हैं, लेकिन फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पुणे में विरोध प्रदर्शन किया तो यूपी के गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत की फोटो पर स्याही पोत डाली। आम आदमी पार्टी ने कविनगर थाने में कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर भी दी है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने तो कंगना रनौत से पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग उठा दी। सरकार तत्काल रूप से उस कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तत्काल रूप से गिरफ्तार करे। ऐसे विचारों वाले व्यक्तियों को कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार देने का औचित्य है या उनको लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति जी को तुरंत पद्म अवार्ड वापस लेना चाहिए। ये तुरंत मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर इस बयान का खंडन करना चाहिए, और नहीं तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान से उसकी सहमति है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इशारों में बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आजादी के 75वें साल में आजादी के रणबांकुरों का अपमान और गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, भगत सिंह और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष व बलिदान वो नहीं समझ सकते जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। इसलिए जेड सुरक्षा और पद्मश्री प्राप्त अनुयायियों की आजादियों के संग्राम को बदनाम करने की सुपारी दी है। इस बीच बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। त्यागपूर्ण समर्पित जीवन के बाद, शहादत के बाद हमारे देश को आजादी मिली है, तो उस कारण किसी व्यक्ति विशेष के इस बयान का समर्थन नहीं हो सकता। 14 के बाद पूरे विश्व में भारत एक विश्व गुरु करके उभर रहा है। पद्मश्री मिलने के दो दिन बाद एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने 1947 में मिली आजादी को भीख बताया था। कहा था कि देश को असली आजादी 2014 में मिली है। अल्पसंख्यक आयोग ने डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। आयोग ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और 15 दिन के भीतर डीजीपी से जवाब मांगा है। अल्ताफ का परिवार लगातार कह रहा है कि उनके बेटे का कत्ल हुआ है। जवान बेटे की मौत पर बिलखता ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। सबके सब आंसुओं में डूबे हुए हैं। उन्हें कहीं से सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। इनके बेटे अल्ताफ की कासगंज में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसे पुलिस खुदकुशी बता रही है। लेकिन अल्ताफ की मां का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। मेरे बच्चे को जो है उन लोगों ने ही मारा है। अल्लाह, आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। जेल में मार दिया। एक मौत हत्या और आत्महत्या की थ्योरी में उलझी है, लेकिन जिस घर ने अपना जवान बेटा खोया उसके पास सवाल ही सवाल है। हमारा बच्चा मरा नहीं है, मारा गया है, जो कि 3 फुट की या 4 फुट की टोंटी से कोई मर सकता है, वो हमारी फांसी लगा के देखे, हम मर के देखते हैं उस पर कैसे मरते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर उसने हैंगिंग भी किया है तो कम से कम आप लोग तफ्तीश तो करो। उसकी आज 3 दिन हो गए उसको दफन किए हुए, ठीक है, लेकिन कोई आप लोग फैसला तो कम से कम करो। आला अधिकारी आकर ये बात तो कह ही नहीं रहेगा हम इस लेवल की जांच कर रहे हैं या। इस बीच कासगंज में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने यूपी सरकार से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। एक्सप्रेसवे रनवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर शो करेंगे। 30 फाइटर जेट्स को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारने की तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए आज से अभ्यास भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज वो सुल्तानपुर पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और चुनावी साल में बीजेपी का उत्तर प्रदेश पर बहुत जोर है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक अगर पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश होकर ही वो रास्ता गुजरता है। आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी आए। उन्होंने वाराणसी दौरे में की शुरुआत बीएचयू स्थित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर की। तो भारत की बात में अब वक्त हो गया है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में है।
इस बार उन्होंने देश को मिली आजादी को ही भीख कह दिया। एक इंटरव्यू में कंगना का ये बयान सामने आया है और कंगना रनौत के इस बयान के बाद उन चारों तरफ से तीखे हमले चल रहे हैं जो कि राजनीतिक दल हैं। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग हो रही है कि कंगना का पद्मश्री सम्मान छीना जाना चाहिए, कंगना पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में है। सुशांत सिंह राजपूत केस हो, किसान आंदोलन हो या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार से पंगा लेना हो, ऐसा लगता है कि कंगना की कुंडली में ही विवादों का ग्रह बन गया है। देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने ऐसे लाठियां खाई थी। आजादी को भीख बताने वाली कंगना ने रैंप पर कैटवॉक वाली पद यात्राएं की। अंग्रेजों से लड़ते हुए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए भगत सिंह आजाद और उनके साथी, और आजादी को भीख बताने वाली कंगना ने हंसते हंसते फिल्मों के लिए ठुमके लगा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे ने हजारों सैनिकों का सामना किया, और आजादी को भीख बताने वाली कंगना ने कैमरों के सामने फुल पत्तीसी वाली मुस्काने बिखेरी। कंगना चाहे नाचे गाए ठुमके लगाए, लेकिन इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आजादी के सबसे बड़े बलिदान का मजाक उड़ाकर आजादी को भीख कहा जाए तो इसका जवाब देना जरूरी है। पहले 25 सेकंड में कंगना रनौत का वो विवादित बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने आजादी को भीख बताया। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत ने ये बयान एक इंटरव्यू में दिया था जिसके बाद उनके खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कंगना का पुतला जलाया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन ने यहाँ मोर्चा खोला। क्या आजादी के दीवानों ने भीख मांगी थी? कटोरा लेकर वो नंगे पांव दौड़े थे? आज मंगल पांडे, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्हें 18 और 20 वर्ष की अल्पायु में ही फांसी पर एक दिन पूर्व लटका दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार जेलों में कर दिया जाता है, क्या उन्होंने भीख मांगी थी? लानत है हम पर जो कंगना रनौत जैसी महिला की पिक्चरें देखते हैं हम लोग। क्यों कंगना रनौत को कुछ भी इनाम से नवाजा जाता है इस देश में? कंगना रनौत को हाय 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 हाय। यूपी के गाजियाबाद में कंगना के बयान पर बवाल हुआ। मुझे नहीं मालूम कि ये किस मानसिकता की महिला है, या ऐसा लगता है कि किसी इस सरकार में जो संघी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने देश का हमेशा से अपमान किया है, गोट से जैसे लोगों को वो पूछते हैं, शायद उसी मानसिकता की है, और किसका सानिध्य इन्हें मिला हुआ है ये सरकार तय करे। राजस्थान के जोधपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। यहाँ तो विधायक ने पुलिस में कंगना के खिलाफ शिकायत भी की। ये तो आम और पार्टी से जुड़े नेताओं का प्रदर्शन हुआ, इस पर सियासत के तो क्या कहने। पहले सुनिए कांग्रेस के ये सुर। रणदीप सुरजेवाला बोले, कंगना तो चेहरा है, भाषा तो बीजेपी वाली है। और प्रधानमंत्री जी और भाजपा की चहेती अभिनेत्री, जिन्हें पद्मश्री और जेड कैटेगरी सिक्योरिटी से नवाजा गया है, वो आजादी को भीख बताए। कारण समझिए, कारण बड़ा सीधा है। वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, जब गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, आजाद, भगत सिंह कुर्बानी दे रहे थे, फांसी के फंदे हमारे स्वतंत्रता सेनानी चूम रहे थे, तो वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे वो आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को भीख ही मानते हैं। पर पूछना है तो पूछिए उन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से, जिन्होंने सर्वोच्च कुर्बान करके, जिन्होंने जेलें काट कर इस देश को आजादी दिलवाई थी। उनके अनुयायी आज मजाक उड़ा रहे हैं देश की आजादी का। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। साफ है कि कांग्रेस ने कंगना के बहाने बीजेपी और मोदी पर सीधे निशाने साधे हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक ड्रग्स मामले पर दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नवाब मलिक
आज कंगना पर हमला करने आए और कह दिया कि कंगना को हिमाचल की घाटी से आने वाले नशे का ओवरडोज हो गया है। पर मुझे लगता है जो महिला मनाला क्रीम लेती रहती है, लगता है मनाला क्रीम का ओवरडोज हो गया। इस तरह से उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं तत्काल पद्मश्री वापस लिया जाए। इतना विवाद हुआ तो आप जानना चाहेंगे कि कंगना को अपने बयान पर क्या कहना है। इसलिए इससे पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बयान को देखिए, फिर कंगना ने सफाई में क्या कहा ये भी सुनिए। कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। लेकिन इसके बाद भी कंगना थमी नहीं। कंगना को अपने कहे पर कुछ भी गलत नहीं लगता और उन्होंने वरुण गांधी पर तीखे प्रहार किए। हालांकि मैंने साफ साफ कहा था 1857 की क्रांति पहला स्वाधीनता संग्राम थी जिसे थाम लिया गया था, जिसके बाद ब्रिटिश राज में और अत्याचार शुरू हो गए। एक सदी बाद आजादी गांधी के भीख के कटोरे में दी गई। जा अब और रो। साफ है कि कंगना रनौत चौतरफा हमले के बाद भी अपने बयान पर कायम दिखी। यहां पर रिपोर्ट को आगे बढ़ाएं। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि कंगना रनौत का विवादों से नाता कितना पुराना रहा है। देश में शायद ही ऐसा कोई ज्वलंत मुद्दा रहा हो जिसके बारे में कंगना ने वक्त निकालकर बयानबाजी ना की हो। कंगना रनौत ने अपने मणिकर्णिका बंगला विवाद में मुंबई को पीओके बताया था और फिर एक राज्य के मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे पर तू तड़ाक वाले बयान दिए। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। किसानों पर पहले बेतुके बयान दिए, फिर अपने बयानों को ही डिलीट किया। यहाँ तक कि पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ से जुबानी बहस हुई। ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी नागरिकता के लिए प्रदर्शन कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी जी किसानों के एमएसपी के लिए भी प्रदर्शन करती हुई दिखी। महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, इसे तुरंत खत्म करो। सुनो गिद्धों, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं सब देख रही हूं। किस किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनका इस्तेमाल कर रहे हो। जब शाहीन बाग की तरह इन धरनों का रहस्य खुलेगा तो मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी। बब्बर शेरनी। सुशांत राजपूत केस पर जांच अधिकारियों से ज्यादा कंगना रनौत ने बयान दिए हैं। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना, ऐसा क्यों कहते हैं मुझे ये। इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन से भी उनकी बहस हुई। यानी विवादित बयानों पर कंगना की कुंडली बहुत लंबी है और अब इस विवाद में नया नाम आजादी के सेनानियों के अपमान का जुड़ा है और इस पर कंगना से पद्मश्री छीनने से लेकर गिरफ्तारी तक की मांग हो रही है। महामहिम राष्ट्रपति ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा था, तारीख थी 8 नवंबर, लेकिन ये सम्मान मिलने के 4 दिन बाद ही इसे वापस लेने की मांग उठ रही है और वजह कंगना का आजादी पर भीख वाला बयान। ये चौंकाने वाला है और निंदनीय है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान नहीं कर सकता, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब लोग उसमें शामिल थे, हजारों लाखों भारतीय लोगों ने अपना बलिदान दिया, और हमारे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। और ये शब्द इस्तेमाल करना कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, सरकार को इसको देखना चाहिए कि क्या ऐसे विचारों वाले व्यक्तियों को कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार देने का औचित्य है
या उनको लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति जी को तुरंत पद्मा अवार्ड वापस लेना चाहिए। जिस तरह से बयान दिया गया है, ये सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम उन्होंने किया है। पद्मश्री दिया गया है, हमें लगता है कि तात्काल रूप से पद्मश्री वापस लिया जाए। करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत किया गया है, उन पे मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए। ये वही कंगना रनौत हैं जिसको इस सरकार ने, सत्तारूढ़ दल ने बहुत आगे बढ़ा कर रखा है और इनको पद्मश्री से नवाजा भी। तो यह सोच सत्तारूढ़ दल की सोच है, शुरू से आजादी के आंदोलन के खिलाफ भी रहे, उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे इन्होंने और आज ये सत्ता में है तो कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री देते हैं। हम यह मांग करते हैं कि सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्या वो कंगना रनौत की इस टिप्पणी के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ है। सियासी दलों के अलावा किसान नेताओं ने भी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कंगना को इतिहास पढ़ना चाहिए। भीख से कोई आजादी मिलती है, आजादी तो लड़के मिले, तो ये जो शहीद हुए उस टाइम पे उनका अपमान है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, इतिहास पढ़ देना चाहिए उनको, तो इतिहास पढ़ना जरूरी है। बीजेपी, विरोधी दलों और कंगना के बीच नोकझोंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार आजादी के बयान वाले विवाद पर बीजेपी ने भी कंगना से किनारा कर लिया है। हम स्पष्टता से बताते हैं कि देश की आजादी लाखों लोगों के शहादत के बाद मिली है। इसके लिए जिस व्यक्ति विशेष की वो बात कर रहे हैं, उस बयान का कतई समर्थन नहीं हो सकता। आपका निजी मत क्या है, पद्मश्री वापस लेना चाहिए नहीं? जहां तक उनके बयान की बात है तो उनके बयान के संदर्भ में हम कह चुके हैं कि उस बयान का हम समर्थन नहीं करते। अब आपको दिखाते हैं फिल्मी पर्दे की यह तस्वीर। काले पानी की जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसा सलूक होता था, वो फिल्मी पर्दे पर दिखाया गया था। इसे देखकर रूह भी कांप जाती है। लेकिन फिल्मी पर्दे पर काम करने वाली कंगना को शायद आजादी के इस संघर्ष की अहमियत नहीं पता, तभी तो ऐसा बयान आया जिसमें वो अकेली पड़ती दिख रही। दरअसल किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखना, अपनी राय रखना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपनी बात रखने का अधिकार हमें संविधान में भी मिला है, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम अपनी बातों से, अपने बयानों से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। और यही बात कंगना रनौत को समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर भारत की बात में आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में बड़ा बवाल हुआ है। त्रिपुरा में सांप्रदायिक दंगों के विरोध में महाराष्ट्र के कुछ मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था और इस बंद के दौरान कई जगह बवाल हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी खबरें मिली। कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव और नांदेड़ में ये हिंसा हुई। कई जगह पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो भारत की बात में अब रुख अगली खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी साल में फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चन्नी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। स्कूलों में 10वीं कक्षा तक पंजाबी को अनिवार्य कर दिया। पंजाबी भाषा की हम बात कर रहे हैं। पहली बड़ी बात, पंजाब में पहली से 10वीं तक पंजाबी अनिवार्य। दूसरी बड़ी बात, उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 2 लाख का जुर्माना। ये पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार का सबसे ताजा फैसला है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी स्लॉग ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर उतर आए हैं। अब जबकि पंजाब में चुनाव को महज 3 महीने रह गए हैं, चन्नी सरकार ने राज्य में पंजाबी की अनिवार्यता का दाव चला है। पंजाब में कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। अगर स्कूलों ने इसका उल्लंघन किया तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। चन्नी सरकार ने सभी दफ्तरों में भी पंजाबी को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही ये फैसला भी लिया गया है कि राज्य में हर जगह बोर्ड पंजाबी में लिखे जाएंगे। तो चुनावी साल में सीएम चन्नी ने पंजाबी का दाव चल दिया है। पंजाब की राजनीति में अकाली दल और आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपटने के लिए ये हथियार कितना कारगर होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी।
तो भारत की बात में अब समय अगली खबर का, और ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट के आगे कांग्रेस हाईकमान को झुकना पड़ा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद आज खुद सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि पायलट समर्थक कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। पहले खबर यह मिली थी कि 6 से 7 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, अब ये संख्या बढ़ सकती है। पंजाब और छत्तीसगढ़ में हाथ जला चुकी कांग्रेस लगता है राजस्थान में भूख भूख कर कदम रख रही है। कल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो आज सचिन पायलट की सोनिया से मुलाकात हुई। पायलट की बात से जो संकेत मिले हैं उससे पता चल रहा है कि राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट खेमे का झगड़ा सुलझा लिया गया है। हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं। सब मिलकर चल रहे हैं, और जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है, और कुछ बैलेंस है उसको भी हमें सेट करना है। सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई, और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है, और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाए। सचिन पायलट ने जिन वैकेंसी को भरने की बात की है उसकी तस्वीर गहलोत कैबिनेट के आने वाले विस्तार में साफ हो जाएगी। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत सरकार में सचिन पायलट के समर्थक 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान में 15 से 20 नवंबर के बीच कैबिनेट का विस्तार संभव है। कांग्रेस आलाकमान के लिए राजस्थान के 2 छत्रपों के बीच ये झगड़ा सुलझाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पंजाब में वो हाथ जला चुकी है और छत्तीसगढ़ में उसकी किरकिरी हो चुकी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 2 साल बाकी हैं। ABP News आपको रखे आगे।